The given question is, if the area of triangle ABC formed by A, XY, B, 1, 2 and C, 2, 1 is 6 square units, then prove that x plus y is equal to 15 or x plus y plus 9 is equals to 0. Right? तो हमें क्या दे रखा है कि ट्राइंगल है ए बी सी, इसके तीनों कोऑर्डिनेट हमें गिवन है ए बी एंड सी, एक्स वाई 1, 2 एंड 2, 1. उस ट्राइंगल का एरिया है 6 स्क्वायर यूनिट, तो हमें ये प्रूव करना है x plus y is equal to 15 आए या फिर x plus y plus 9 is equals to 0. तो अब हमें गिवन है ट्राइंगल का एरिया, तो मीन्स हमें ट्राइंगल के एरिया का ही फॉर्मूला इसमें यूज करना है. तो कोऑर्डिनेट हमारे पास है ए एक्स वाई, बी 1, 2 एंड सी 2, 1. राइट. अब ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू. तो वैल्यूज पुट करते हैं. अब देखो जो ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, हमें दे रखा है 6, तो 6 पुट कर देंगे. 1/2 एक्स वन, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है एक्स, वाई टू माइनस वाई थ्री. अब देखो ये हमारे पास पॉइंट क्या क्या है, ये एक्स वन वाई वन है, ये हमारे पास एक्स टू वाई टू है और ये एक्स थ्री वाई थ्री है. तो वैल्यू पुट करते हैं वाई टू माइनस वाई थ्री यानी कि 2 - 1 प्लस एक्स टू, एक्स टू है 1, वाई थ्री माइनस वाई वन तो 1 - y प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री हमारे पास 2, वाई वन, वाई वन है y माइनस वाई टू, y2 हमारे पास 2, राइट. तो अब ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं 12, और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 - 1, 1 आएगा, तो यहाँ हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है. 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - y आ जाएगा, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y - 4 आ जाएगा हमारे पास. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 2y, तो y माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 12. अब यहाँ पर वैल्यू है मॉडुलस में, मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो भी आंसर पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो भी आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है. तो इसमें जब हम यहाँ से मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो एक बार पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव साइन आप चाहो तो यहाँ लगाओ, अदरवाइज डायरेक्टली आप 12 के साथ लगा दो. जब यहाँ से मॉडुलस हटाएंगे तो हमारे पास जो 12 हो प्लस का भी हो जाएगा और माइनस का भी हो जाएगा. तो हमें दोनों साइंस के लिए इसको एक बार सॉल्व करना है. तो फर्स्ट हम ले लेते हैं x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस ऑफ 12, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 प्लस 3 दैट इज 15. तो फर्स्ट जो उसने प्रूव करने के लिए दी थी इक्वेशन, ये हमारी आ चुकी है. सेकेंड जब इसे हम रखेंगे नेगेटिव 12 के इक्वल, x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12 प्लस 12 हो जाएगा लेफ्ट साइड पर, तो एक्स प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. तो ये दूसरी स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो गई है, ठीक है. तो हमें इस तरीके से सम को करना है, दोनों आंसर्स हमारे आ चुके हैं. बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है, ये स्टेप आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है. फिर सेपरेटली सॉल्व करेंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा. थैंक यू.